Hello my dear students, good morning to all. Today's date is 12th October 2020, subject English Grammar, Class 4, Book the Grammar Right Book, Chapter 8. My dear students, we are doing the revision of the chapter tenses. हम लोग tenses chapter के ऊपर revision कर रहे हैं, right? Let's link up. Read the sentence and say when the action takes place. आपको बोला गया है कि यहाँ पे sentence पढ़ना है और बताना है action को कब किया जा रहा है. Number 1, the fishes are swimming in water. The birds flew high in the sky. यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है, द फिशेज आर स्विमिंग इन वाटर, द बर्ड्स फ्लू हाई इन द स्काई. द वर्ब्स आर स्विमिंग एंड फ्लू सो एक्शन. यहाँ पे जो वर्ब्स आर स्विमिंग और फ्लू है ये हमें क्या बता रहा है, एक्शन के बारे में बता रहा है, राइट. सेंटेंस 1, दैट इज द फिशेज आर स्विमिंग इन वाटर सो दैट द एक्शन आर हैपनिंग नाउ. यहाँ पे जो आर स्विमिंग है ये हमें बता रहे कि ये जो एक्शन है अभी ये चल रहा है, अभी ये एक्शन हो रहा है, राइट. और सेंटेंस 2, द बर्ड्स फ्लू हाई इन द स्काई सो दैट द एक्शन हैपेंड इन द पास्ट. हम यहाँ पे जो बर्ड फ्लू है ये हमें क्या बता रहे कि ये एक्शन हो चुका है, ये एक्शन गुजर चुका है, ये एक्शन पास्ट में हो गया है, फ्लू. द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब टेल्स अस द टाइम व्हेन एन एक्शन हैपेंड. यहाँ पे जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, वर्ब का जो डिफरेंट फॉर्म है, जैसे देखिए द फिशेज आर स्विमिंग इन वाटर, द बर्ड्स फ्लू हाई इन द स्काई, आर स्विमिंग और फ्लू, ये क्या वर्ब का डिफरेंट फॉर्म है, ये हमें बता रहे टाइम के बारे में, जब एक्शन कब एक्शन को किया गया या फिर हुआ है, राइट. ये हमें उन समय के बारे में बता रहा है जब एक्शन को किया जा रहा है या फिर हो रहा है एक्शन. द दिस फॉर्म्स ऑफ वर्ब आर कॉल्ड टेंसेस. इस टाइप का वर्ब का फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसेस बोलते हैं. तो टेंसेस क्या है, टेंसेस आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब दैट शो व्हेन एन एक्शन हैपेंड. टेंसेस क्या है, टेंसेस आपका वर्ब का फॉर्म के बारे में बता रहा है जब एक्शन को किया जा रहा है, दैट शो वो दिखा रहा है कि एक्शन को कब किया जा रहा है, व्हेन एन एक्शन हैपेंड. ओके, टेंसेस आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब. टेंसेस क्या आपका वर्ब का फॉर्म है जो दिखा रहा है दैट शो व्हेन एन एक्शन हैपेंड, कि एक्शन कब किया जा रहा है उसके बारे में बता रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंसेस बोलते हैं. एक्सक्यूज मी, द डिफरेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब टेल्स अस द टाइम व्हेन एन एक्शन हैपेंड. द वर्ब का जो डिफरेंट फॉर्म है वो हमें बता रहा है कि एक्शन को कब किया जा रहा है, वो हमें उस समय के बारे में बता रहा है जब एक्शन को किया जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, टेंसेस. और इस टाइप का वर्ब का फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसेस. तो हम चाहते हैं अब घर में टेंसेस का डिफिनेशंस पढ़े, एग्जाम्पल के साथ पढ़ के समझने की कोशिश करें. Thank you.